बरसों के टाइम के नटराज भगवान हमारे। और ये है कितने टाइम पुराना, 1590 में बना था ये। मेरे को तो लग रहा पानी में ही ना गिर जाती देर में मैं। गाइस आज हम आ गए हैं एग्जीबिशन रोड, तो यहाँ पे लंदन के सारे म्यूजियम ही म्यूजियम है। अभी यहाँ पे सामने दिख रहा है हमें साइंस एंड जियोलॉजी म्यूजियम, और जो हम जा रहे हैं वो है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। मुझे नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगा। लोगों का चुराया हुआ सारा सामान इन लोगों ने रखा हुआ है, तो आज दिखाएंगे इंडिया से क्या क्या चुरा के और बाकी देशों से भी क्या क्या चुराया है। तो ये हमारे पीछे हम अब एंट्री देखने जा रहे हैं कहाँ से, तो स्टे ट्यून्ड। ये है महाराजा रंजीत सिंह की पोशाक और ये है सोने का थ्रोन, जो कि यहाँ और इस चीज को ये बोलते हैं कि हमने ट्रेड किया था इंडिया के साथ। मतलब व्हाट रॉबिश, जैसे हम साउथ में देखते हैं कुछ ऐसी स्टैचूज को वही है यहाँ पे ला के रखे हैं उन्होंने। एंड ये 1600 to 1800 के टाइम की हो सकती है, 1240 और 60 की है। दुर्गा महालक्ष्मी स्टैचू है, मतलब ये वहाँ की शान बढ़ाती है, इतनी ज़्यादा पुरानी है यहाँ पर। और ये है 600 से 700 के बीच में, 780 पॉसिबली शिवा है, ये शिवा शिव जी जी हमारे पॉसिबली, क्योंकि इनकी स्टैंडिंग शिवा हालत थोड़ी ख़राब है मूर्ति। 1200 to 1300 दक्षिणा मूर्ति शिवा है दक्षिणा। ये कौन सी वो है जिनके ऊपर पैर रखा हुआ है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर, ये है 1100 से 50 के बीच में। बहुत ज्यादा थोड़ी खंडित हो चुकी है, तोड़ रखी है मूर्ति, तोड़ नहीं रखी वो ऐसे ही मिली होगी। हाँ मतलब किसी ना किसी टाइम पे टूटी भी होगी, आई एम नॉट सेइंग कि ब्रिटिश ने तोड़ी। 1200 के टाइम के नटराज भगवान हमारे चूल्हा भी रेट के। महावीर जी की है तो शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है 1300 से 1500 के बीच में। ले चले इन्हें, हाँ इनको तो ले चलते। पार्श्वनाथ भगवान 1100 to 1200 के बीच की है। ऋषभनाथ भगवान जी की 900 के बीच में। गजब की मूर्ति हमारे रखी है जिसने बनाई है। हाँ हमने बनाई है ना। हाँ मतलब ये जो कारीगरी करी हमने करी है, ये अपने आप को फेमस कर रहे हैं यहाँ पे, वो गलत है। काश मुझे हकदार वापस आ जाते। ये क्या है पढ़ो, एक मुख लिंगा, शिवलिंग है ये। हाँ एक मुख लिंगा, ये शिवलिंग है एंड उसके ऊपर मुख बना हुआ है भगवान का। एंड दिस इज योगी नी फ्रॉम 800 to 900। ये है क्वीन एलिजाबेथ 1 और उन्हीं के रूम की कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन उनके पेंडेंट्स हैं, ये बैंगल्स हैं एंड ये देखिए बेड। The great bed of where, कितना कोजी लग रहा है और कितना बड़ा भी है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक। और ये है कितने टाइम पुराना, 1590 में बना था ये। और ये कुछ और छोटी मोटी बेडरूम की चीज़ें, पिलो केस एंड
प्रॉपर लकड़ी है ये तो, काफ़ी अच्छी कार्विंग हुई है बेड के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बेड। होटल का बेड एलिजाबेथ का तो नहीं है, एंड ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। इतना बड़ा 1590 में पहली बार किसी कस्टमर ने इसको स्पॉट किया था, लंदन से 22 माइल्स से टेक्स्ट फॉर चैट। ओके, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनका, इसका नाम है पैनल अपोलो एंड द म्यूजेस। और ये भी पता नहीं से बजाते कैसे। हाँ ठीक है, हाँ तुम्हें बड़ा बजाना आता है, बजाते कैसे हैं ये बोला मैंने। इसे देखो ज़्यादा ही बड़ा, उठाते ही कौन होगा इसे। और ये कुछ इन्हीं का सामान है, ये कोई चुराया हुआ नहीं है, बेचारों ने बनाया। ये कितनी मोटी बुक है, कौन सी लैंग्वेज है ये? और ये अब म्यूजियम का नेक्स्ट पार्ट बनाई, इतना प्यारा रखा। एंड ये मेरे पीछे इतना प्यारा म्यूजियम, यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर जाते हुए बैग लेके मार्बल का इतना अच्छा काम कर रखा है सब जगह, ऊपर जाना है रिक्शा, नीचे नहीं। देखो कुछ भी कहो कुछ भी है, पर बना बहुत बढ़िया रखा है ये। ये पूरा ग्लास का इन्होंने बनाया हुआ है, और उधर सामने पेंडुलम एंड क्लॉक, सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। वो पूरा वो डिजाइनिंग कर रखी है, ऊपर वुड की कर रखी है। Look at this. और ये इतना सुंदर लग रहा है। हाँ ये वीडियो में दिख नहीं रहा, जो हम देख रहे हैं ना अपनी आंखों से इस टाइम, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ह्यूज है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है ये। कौन सा है ये कंट्री, कौन सी है? ब्रिटेन ये। और वहाँ पीछे उधर भी दिखा सकते, ये वही रोमन कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं सारे, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है।
तो आज का म्यूजियम टूर हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारी बस की नहीं है, बहुत बड़ा है, इसमें 4 फ्लोर्स हैं और बहुत ह्यूज है। बैग ले घूमना बस के लिए हमारे, हाँ क्योंकि हमें अपनी ट्रेन भी लेनी है शाम को, हम बर्मिंघम जा रहे हैं वापस। तो अभी हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ और एक्साइटिंग सा। मैं बोर हो जाती हूँ, म्यूज़ियम मेरे टाइप की चीज़ें नहीं है, इनको बहुत पसंद है पढ़ना का बट मेरे को पढ़ पढ़ के उसे बताने का कोई शौक नहीं है। तो हम जा रहे हैं, तो अब हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ का आप लोगों को दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। चल, और हम ले रहे हैं अब एग्जिट। म्यूजियम में नहीं घूम सकती। और अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, ये रहा साइंस म्यूजियम सामने, इतना बड़ा, बट मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है साइंस म्यूजियम में। तो अब हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे म्यूजियम के अलावा। 10 मिनट घूम के आ जाते सर। जाओ तुम अकेले जाओ, मैं कुछ खाती हूँ। इतने ऐसा करते इधर बैठ कर। Heading to the UK. We have long sought to understand the universe and our place within it. We use our eyes, telescopes, and now spacecraft that send back images and information. तो अब शाम हो चुकी है गाइस यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं रीजेंट्स पार्क। वहाँ पर काफ़ी लेक वगैरह है और काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या है और कितना सुंदर है। और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे आज शाम की ट्रेन लेके। तो अब हम चल रहे हैं रीजेंट्स पार्क। मैं तो बना ही रहा हूँ वीडियो। आओ 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 उसको दिख गया तेरे हाथ में कुछ नहीं। आओ मेरे को तो लग रहा पानी में ही ना गिर जाती देर में मैं। पार्क तो काफ़ी सुंदर है, बड़ा भी है, पर यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि कुछ और चीज़ अच्छी होगी इस प्रोग्राम के लिए। एक बहुत बड़ा सा फैन दिखा हम लोग ही आ गया। एकदम बूट मार देगा ना तो तू गिर जाएगी पीछे वाले।
आओ। ये बहुत भूखी है और हमारे पास कुछ नहीं है इसे देने के लिए। सॉरी।